नमस्कार, वेलकम टू द निकीस किचन। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे काजू करी। काजू करी बनाने के वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, बट मैं आज जो जिस तरीके से बनाने जा रही हूँ वो बहुत ही आसान और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनेगी। इसमें बटर, 100 ग्राम ऑफ काजू, 4-5 टेबलस्पून ऑफ मलाई, 1.5 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर, 2 मीडियम साइज टोमेटो लूंगी, उसको अच्छी तरह मैं ग्राइंडर में पीस के लूंगी। यहाँ एक मैंने बड़े साइज की प्याज ली है, उसको अच्छी तरह पीस लिया है। यहाँ पर मैं गार्लिक 5-6 एक इंच जिंजर का टुकड़ा लूंगी। यहाँ पर 1/2 टेबलस्पून मैंने क्यूमन जीरा, 3-4 हरी इलायची एंड 1 इंच दालचीनी एंड क्लोव ली है। सो गाइस, अब हम एक कंटेनर लेंगे। कंटेनर को हाई फ्लेम पर रख देंगे। कंटेनर को हाई फ्लेम पर रखने के बाद कंटेनर अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा। गाइस, गरम होने के बाद आप कंटेनर में या तो बटर ऐड कर सकते हैं या तो आप घी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं बटर ऐड करूँगी। गाइस, अगर आपके काजू की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा बटर या घी ऐड करें। मैंने यहाँ 100 ग्राम काजू लिए हैं, इसलिए मैंने इतना बटर यूज़ किया है। सो गाइस, मेरा बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें काजू ऐड करूँगी। गाइस, काजू ऐड करने के बाद मैं इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह बटर में रोस्ट करूँगी। गाइस, ये मेरा रोस्टिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है। गाइस, एक बात का ध्यान रखें कि आपको काजू ज़्यादा डार्क ब्राउन होने तक नहीं पकाना है। ये रेसिपी बहुत ही डिलीशियस लगती है गाइस। वैसे तो हम इसको मोस्टली घर में बनाते नहीं हैं, बट आप एक बार देख के ज़रूर ट्राई करिएगा गाइस। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, इसका बहुत ही डिलीशियस टेस्ट आता है गाइस। वैसे तो ये हर कोई बनाता नहीं है घर में, बट ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आप बाज़ार से खाना भूल जाएंगे। सो गाइस, ये मेरे काजू हो चुके हैं। मैं काजू को कंटेनर से अलग निकाल रही हूँ। गाइस, अगर आपको लगता है कि आपको दूसरा कंटेनर यूज़ करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, बट मैं आज की जो रेसिपी बनाऊँगी मैं सेम कंटेनर में ही बनाऊँगी। गाइस, मैंने काजू को पूरी तरीके से अलग कर लिया है। मेरा कुछ बटर है वो कंटेनर में रह गया है। मैं यहाँ पर 4 टेबलस्पून ऑफ रिफाइंड ऑयल यूज़ करूँगी। रिफाइंड ऑयल यूज़ करने के बाद जो मैंने क्यूमन, ग्रीन कार्डमम एंड दालचीनी लिया था वो मैं ऑयल में ऐड कर दी हूँ। ऑयल और बटर इसमें मैंने ऐड कर दिया है। गाइस, ये अच्छी तरह गर्म होने के बाद मैंने जो इसमें ऑनियन की जो पेस्ट बना के रखा था मैं ऑयल में वो ऐड कर दूंगी। देखिए गाइस, ऑयल हमारा हद से ज़्यादा गर्म है, इसके वजह से ऑयल में बबल्स आने लगे हैं। सो गाइस, हमें इसे ब्राउन होने तक पकाना है। गाइस, प्याज को हम कच्चा नहीं रहने देंगे, हम इसे हल्का ब्राउन होने तक अच्छी तरह पका लेंगे। गाइस, हमारी प्याज अच्छी तरह पक जाने के बाद हम इसमें जो हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के रखा था गाइस, इसमें हम वो ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालने के बाद आप ग्रेवी में जिंजर गार्लिक के पेस्ट को अच्छी तरह मिक्स कर लें। पेस्ट प्रॉपर तरीके से मिक्स होने के बाद आपका ये लाइट ब्राउन कलर दे देगा। गाइस, ध्यान रखिए कि आपकी जो ग्रेवी है वो जले ना, आप इसको हाई फ्लेम पर अच्छी तरह भुनें। गाइस, ध्यान रखिए, आप अगर घी यूज़ कर रहे हैं या ऑयल यूज़ कर रहे हैं या बटर यूज़ कर रहे हैं, इसकी क्वांटिटी सफिशिएंट होना चाहिए, तभी यह आपका मसाला भुनेगा। मैं यहाँ पर रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर एंड हल्दी पाउडर एक साथ ऐड करूँगी। मैं इसको अच्छी तरह
मिक्स कर लूँगी एंड अच्छी तरह मैं इसको भुनूंगी। गाइस इसमें कच्चापन नहीं रह जाना चाहिए, इसके वजह से हमको मसाला भूनने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो देखिए गाइस मैं ये मसाला प्रॉपर तरीके से भून रही हूँ। हम इस ग्रेवी को तब तक भुनेंगे तब तक मसाला जो है और ऑयल है सेपरेट नहीं हो जाता। हमने इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया है, अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। गाइस सॉल्ट ऐड करने के बाद ये जो ऑयल है वो जल्दी सेपरेट हो जाता है। देखिए गाइस तो मेरा मसाला जो है उसमें से ऑयल सेपरेट हो चुका है। मैंने जो टोमेटो का पेस्ट लिया था अब मैंने वो ऐड कर दिया है। मैं इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी। गाइस ये प्रॉपर तरह मिक्स करने के बाद मैं इसे हाई फ्लेम पर भुनूंगी। टमाटर की प्यूरी डालने के बाद जब तक मसाला प्रॉपर तरीके से ऑयल ग्रेवी में से सेपरेट नहीं कर देता हम उसे तब तक भुनेंगे। ऑलमोस्ट हम लोगों का ऑयल जो है ग्रेवी में से सेपरेट होने वाला है। गाइस हम इसे हाई फ्लेम पर भुनना जारी रखेंगे। सो गाइस हम लोग इसे कंटिन्यू चला चला के अच्छी तरह भुनेंगे। अच्छी तरह चला चला के भुनने के बाद हम लोगों की जो ग्रेवी है वो रेडी हो जाएगी एंड जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पर मैं 4 to 5 टेबलस्पून ऑफ मलाई ली है मैंने, वो मैं ग्रेवी में ऐड करूँगी। गाइस आज का मेरा मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है मलाई। मलाई से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्स्चर हो जाता है जो कि हम बाज़ार में खाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी हम में लगती है। सो गाइस काजू करी का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो मलाई होता है। यहाँ पर मैंने 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला यूज़ किया है। गरम मसाले को मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी एंड हाई फ्लेम पर पका लूँगी। सो गाइस ये सब करने के बाद मैं लास्ट में ऐड करूँगी काजू। ये मैंने काजू ऐड कर दिए हैं जो कि मैंने बटर में रोस्ट करके रखे थे। सो गाइस देखिए हमारे काजू को हम थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह हाई फ्लेम पर पकाएंगे एंड अच्छी तरह ग्रेवी में काजू को मिक्स करेंगे। यहाँ मैं अच्छी तरह ग्रेवी में काजू को मिक्स कर रही हूँ गाइस। यहाँ पर आप गार्निशिंग के लिए हरा धनिया ले सकते हैं। गाइस मैं यहाँ पर जो हरा धनिया है उससे गार्निश करूँगी अपनी ग्रेवी को और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और डिलीशियस बनाऊंगी। गाइस ये बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही आसान रेसिपी है। आप इस रेसिपी को देखने के बाद एक बार ज़रूर ट्राई। सो गाइस ये हमारी गर्मा गर्म काजू करी तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।